साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे भाई, दुबई से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे दुबई में, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग दुबई में, 40 लाख वर्कर इंडिया के एक्टिव आदमी हैं जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर वहां पे रहते हैं। तो सबसे बड़ा अपना तो दुबई हब मान सकते हैं, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग इंक्वायरीज, क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। तो साथियों दुबई से रिलेटेड नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही दुबई से रिलेटेड मैं न्यूज डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो भाई दुबई से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं साथियों, दुबई के क्या हालात हैं आज की डेट के, 5 अप्रैल की मैं बात करूँगा। भाई दुबई में देखिए, पहले तो आपको कोरोना से रिलेटेड बता दूं, वहाँ भी जैसे इंडिया के जैसे हालात हो रहे हैं, कंट्री छोटी है, बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं, जनसंख्या वहाँ की बहुत कम है। उसके हिसाब से मैं बता दूं, लगभग 1500 लोग वहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना की वजह से, और लगभग 10 डेथ हो चुकी हैं, यानी 10 के लगभग लोग वहाँ पे अभी तक मारे जा चुके हैं इस बीमारी से। लगभग 125 के करीब रिकवर हो चुके हैं वापस, यानी ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दुबई से रिलेटेड। तो पहले क्या था कि आज से 2-4 दिन पहले तक लगभग सुबह रात को, रात सो रात के लेके सुबह, यानी 8-9 घंटे का लॉकडाउन था। रात को क्या होता था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कि भाई रात को वहाँ की सैनिटाइज किया जाए, जो जिसको अपनी भाषा में छिड़काव बोल सकते हैं, कोरोना को बीमारी को मारने के लिए मशीनों द्वारा जो स्प्रे छिड़काव होता है उसको सैनिटाइज अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल बढ़ता जा रहा है, लोग इधर से उधर, ये तो भाई आपको पता ही, आने जाने से फैलता है, तो ये बढ़ता जा रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट ने आज की डेट से वहाँ पे 24 घंटे के लिए लॉकडाउन दुबई में कर दिया है, यानी 24 घंटे के लिए आप जैसे इंडिया जैसा सेम माहौल इंडिया जैसा वहाँ पे बन चुका है, यानी आप नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे मेडिकल हो गया या फिर सुपरमार्केट हो गए वो ओपन रहेंगे, डिलीवरी बॉय वाले उनके लिए सुविधा है, लॉन्ड्री वाले, ये जो सर्विस सेंटर जिसको बोल सकते हैं, सर्विस देने वाले लोग ही आ जा सकते हैं, उनके पास भी आईडी रहेगी तभी उनको पुलिस आने जाने देगी वहाँ का प्रशासन, वरना दिक्कत है। दुबई के लोगों की भी यही हालात है सेम इंडिया जैसे, उसमें भी वही लोग जा सकते हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जैसे बैंक वाले, इंश्योरेंस, जो भी मतलब जिनको ड्यूटी पे जाना जरूरी है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी उनके हिसाब वो जॉब करेंगे तो चलेगी, जिसमें बैंक हो सकता है, सरकारी कामकाज कोई भी हो सकता है, प्राइवेट कामकाज कंपनी से रिलेटेड, उसको भी सुबह सुबह का उनका टाइम है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक ही उनकी ड्यूटी रहेगी, बाकी और अन्य लोग अपने घर पर रहेंगे, बिल्कुल अंदर बाहर नहीं जा सकते, जॉब से रिलेटेड बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर किसी को जाना है तो जैसे इंडिया में जैसा चल रहा है ना, परमिशन लेना वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के बल्दिया जो भी वहाँ का प्रशासन होता है उससे उनको लेनी पड़ेगी परमिशन, तब जाके वो वहाँ एक दूसरी जगह से जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पे बसें फ्री कर रखी हैं भाई, जैसे कोई अगर इमरजेंसी है तो बसें बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे किराया नहीं लगता, टैक्सी लेके जाते हैं तो उसका हाफ किराया, यानी 50% डिस्काउंट में आपको टैक्सी मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट ने फिलहाल वहाँ की सुविधाएं दी हैं। वीज़ा वगैरह की बात करें तो भाई वीज़ा के जो एक्सपायर हो रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट उनको रिन्यू करेगी, आपका पैसा नहीं लगेगा। फिलहाल इंडिया जैसे माहौल है वहाँ पे, तो जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं अपना ये हो जाएगा अपना वो हो जाएगा, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। अबू धाबी में फिलहाल लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारी कंपनियाँ तो बंद हैं, जैसे कोई सरकारी कंपनी है वो थोड़ा बहुत चल रही है, तो अबू धाबी में थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी दुबई में बंद है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले जो 6-7 स्टेट दुबई के हैं धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, सेम इंडिया जैसे हालात वहाँ पे हो जाएंगे। तो भाई जो दुबई में बैठे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, बाहर ना निकलें, वरना ये बीमारी अगर जिसको होती है तो सबको पता है क्या हालात होते हैं, बचने के चांसेस नहीं रहते। इंडिया के जो लोग दुबई जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है मेरा कि अप्रैल अप्रैल कुछ नहीं होने वाला, अप्रैल तक आप जहां हैं दुबई में हैं तो दुबई बैठना पड़ेगा, इंडिया में हैं तो इंडिया में बैठना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी है दुबई में भी, आपको पता है 24 घंटे का लॉकडाउन लग चुका है, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ क्लोज है, आप इधर उधर नहीं जा सकते, जिसको इमरजेंसी जाना होता है हाथों में ग्लव्स, मुंह माउथ पे मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह, जो भी वहाँ का रूल है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आप लोगों को। सो दुबई से रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी, जैसे ही कोई नया जानकारी आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज अच्छी जानकारी दुबई से रिलेटेड आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।